अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी जीत इंडिया के हिस्से में आई है और ये अंडरस्टूड था अगर इंडिया का हम गुज़िश्ता 2-3 साल का, बल्कि इससे पहले भी जब भी किसी भी टीम ने इंडिया का ट्रेवल किया, इंडिया जाके क्रिकेट खेली, तो इंडिया ने हमेशा हमेशा इंडिया ने कामयाबी ली और इंडिया ने सामने वाली टीम को ऐसा गिराया जैसे बांग्लादेश, जो कि बड़े शेर बन रहे थे पाकिस्तान में, वाह क्या बात है जी बांग्लादेश, बांग्लादेश की टीम पता नहीं किधर पहुंच गई, किधर पहुंच गई। लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान टीम की कमजोरियों का उन्होंने फायदा उठाया, उनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान टीम की वीकनेस थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने यहाँ पर हिस्टोरिक सीरीज जीती। रावलपिंडी में 2 मैचेस उन्होंने जीते और पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने जिस तरीके से पहले टेस्ट में ढेर हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया और पूरी टीम जिसमें शुभन गिल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, बुमराह, आप तमाम प्लेयरों के नाम लें, लेकिन टीम एफर्ट थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा ठीक है, उन पर बैट पैच है, पहला टेस्ट चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में था, नहीं चल सके, विकेट को रीड नहीं कर सके। हर बड़े प्लेयर के ऊपर एक बैट पैच होता है और ये बैट पैच मेरा ख्याल है इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर भी है। T20 और वनडे में भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद 2024 वर्ल्ड कप के मेन प्लेयर्स में शामिल थे। और अब जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है चेन्नई में, कब में जो पहला टेस्ट है जिसको इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से विन किया है, बड़ा इजीली विन किया है, बड़ा अच्छा दूसरी इनिंग में स्कोर किया, डिक्लेयर किया, बांग्लादेश की टीम के ऊपर प्रेशर डाला। अगर कल बैड लाइट ना होती तो मेरा ख्याल है कि मैच कल ही इंडिया ने जीत लेना था, लेकिन इंडिया ने बहुत कंफर्टेबल विन की है बांग्लादेश के खिलाफ। वो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान में शेर थे वो इंडिया में ढेर हो गए, और इंडियन टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जिसमें आप उनकी फील्डिंग देख लें, आप उनके कैचेस देख लें, अप टू द मार्क थे, पूरी टीम एज अ यूनिट खेल रही थी, हमें सबक सीखना चाहिए। बाकी जो इस सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं उनको इंडिया से लेसन लेना चाहिए कि इंडिया क्रिकेट किस तरीके से खेल रहा है, किस टेक्निक से खेल रहा है, बिल्कुल नई टेक्निक से खेल रहा है। उन्होंने हर खिलाड़ी को रीड किया होता है, उन्होंने हर प्लेयर की कमजोरी जो है उनके पास होती है, किस कमजोरी पर उनके बॉलर्स ने बॉल करना है और उनके जो ओपोनेंट बॉलर्स होते हैं किस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को खेलना है, ये भी इंडियन प्लेयर्स की बड़ी अच्छी महारत है और हम इस महारत को बड़ा क्लियरली वॉच कर रहे हैं। और ये लेसन है सब कॉन्टिनेंट की और टीमों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान की क्रिकेट किसी से ढकी छुपी नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर थे, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बहुत सारे एजाजात पाकिस्तान के पास हैं। दुनिया क्रिकेट में जितने एजाजात पाकिस्तान प्लेयर्स के पास हैं वो किसी भी दुनिया की टीम या किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पूरी टीम, एक तो प्लेयर बैट पैच पे होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो बैट पैच का शिकार है, इसीलिए हम कोई कंफर्टेबल विन हमारे हिस्से में नहीं आ रही। इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है तो इंडिया टीम की परफॉर्मेंस आप इंडिविजुअल तमाम खिलाड़ियों की आप परफॉर्मेंस देख लें और उनकी परफॉर्मेंस से टीम को जो कामयाबी मिली, टीम को जो फायदा मिला, आप उस परफॉर्मेंस को देख लें। बेसिकली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते एक कंफर्टेबल विन में, अपने मुल्क की जीत में, तो उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं होता। बाबर आजम के साथ यही चीज अटैच हुई हुई है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, टीम को वो जितवा नहीं पा रहे, विनिंग बैट कैरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम को जितवाने में कन्वर्ट होती है तो उसमें फिर पूरी टीम की कामयाबी होती है, जिस तरह इस वक्त टीम इंडिया एक यूनिट के साथ, एक पैशन के साथ, एक इश्क के साथ खेल रही है। नए कोचेस हैं, नई उनकी इंतजामिया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम में यूनिटी, उनके खिलाड़ियों में जो एग्रेशन है, जीत की जो लगन है, वो हमें पहले टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ नजर आई। और वो जो क्रिकेट के पंडित इंडिया के अंदर बैठे हैं वो कहते थे कि बांग्लादेश की टीम कोई अपसेट करेगी भारत आकर, बांग्लादेश की टीम बहुत स्ट्रांग है, वो तमाम तीन चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इन तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, इन अ बास्केट, के नहीं हमसे आगे कोई भी नहीं है। और वाकई टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर किसी भी बड़ी टीम को कामयाब नहीं होने देती, ये उनकी बड़ी एक रिकॉर्ड है।
आप उनके सारे जो टेस्ट रिकॉर्ड हैं इंडिया के अंदर वो आप देख लें। ठीक है, बाहर जाकर नए इन्वायरमेंट के अंदर आपको शिकस्त होती है, आप भी ढेर होते हैं, लेकिन अपने होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने कभी भी किसी भी टीम को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वो पूरा होम क्राउड का एडवांटेज है उनको, वो फायदा उठाते हैं अपने होम ग्राउंड्स का जिन पर वो खेलते हैं। और चेन्नई तो अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में चेन्नई चिदंबरम स्टेडियम का जिक्र किया था कि मैं भी स्टेडियम के अंदर था, बल्कि एक मैंने विक्ट्री का वक्त से पहले निशान बना दिया था पाकिस्तान का, उस पर भी बहुत ज्यादा तंकीद हुई थी और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो चेन्नई चिदंबरम स्टेडियम और स्पेशली जो चेन्नई है, मेरे 6-7 दिन गुजरे हैं वहां पर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहमान नवाजी, क्या वहां का स्टेडियम है, बड़ा मजा हमने चेन्नई के अंदर किया है और होप्स हो कि हम दोबारा चेन्नई। अच्छा, चेन्नई का जब मैंने जिक्र किया तो धोनी स्पोर्ट्स, कोहली स्पोर्ट्स, चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही एक पूरी लाइन के अंदर तमाम स्पोर्ट्स शॉप्स हैं जो प्लेयर्स के नाम की को डेडिकेट किया गया है, प्लेयर्स के नाम से रखी गई है। धोनी स्पोर्ट्स है, कोहली स्पोर्ट्स है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स है। तो धोनी स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो की थी और वहां के जो ऑनर है उनका मुझे मैसेज आया कि हैप्पी टू सी यू। अगर आप चिदंबरम और चेन्नई का जिक्र करते हैं तो आप धोनी स्पोर्ट्स को जरूर याद रखिएगा जहां पे आपने वीडियो की थी, और थैंकफुल टू यू, उन्होंने मुझे याद भी रखा और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, और जब मैं वहां पर मौजूद था उनकी तरफ से बड़ा अच्छा मेरे साथ, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था, बड़ा उन्होंने मेरे साथ ताउन किया था, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में इंडिया ने बड़ी कंफर्टेबल विन बांग्लादेश के खिलाफ ली है और इंडिया की टीम बड़ी टॉप फॉर्म के अंदर नजर आ रही है। उनके तमाम आप शोबे देख लें, आप तमाम उनके प्लेयर देख लें, उनके टेल एंडर्स देख लें, आप उनके बॉलर बुमराह समेत आप देख लें, सब टॉप फॉर्म के अंदर हैं। बड़ा मुश्किल होगा अगले टेस्ट में भी बांग्लादेश को मैं समझता हूं कि कम बैक करने का। कभी भी इंडिया अपने ग्राउंड के ऊपर किसी भी टीम को रिलैक्स नहीं होने देता, फुल प्रेशर के साथ खेलता है और यही फॉर्मेट अब हमें भी अपनाना है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, तनकीद किए बगैर हमें ये बात करना बहुत जरूरी है कि टीम में बेहतरी आ रही है। प्लेयर्स इस वक्त चैंपियंस कप खेल रहे हैं, गैरी कर्स्टन भी यहाँ पर आए हुए हैं, जेसन गिलेस्पी भी हैं, और जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस का पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है वो खिलाड़ियों की फिटनेस है, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट की दीगर टीमों को देखें, उनका फिटनेस लेवल चेक करें, अफगानिस्तान की टीम का फिटनेस लेवल देखें, बांग्लादेश की टीम का फिटनेस लेवल देखें, आप टीम इंडिया की टीम का फिटनेस लेवल देखें। तो इसलिए हमारी जो मेजर प्रायोरिटी है इस फिटनेस, और फिटनेस के ऊपर कोई समझौता नहीं हो रहा, फिटनेस टेस्ट भी हो रहे हैं, और जो इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस होगी वो प्रॉपर टीम अनाउंस होगी। कोचेज ने सर जोड़े हुए हैं क्योंकि वाइट बॉल हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी है, अभी 18 वनडे और 9 T20 हमने खेलने हैं, न्यूजीलैंड को हमने होस्ट करना है, हमने होम अवे सीरीज भी खेलनी है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान के अंदर भी इंग्लैंड की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगी, तो हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ क्रिकेट एक पूरा साल। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के अंदर होनी है, जब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम आता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए मुझे होती है कि वो जो लोग दावा करते कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर मौका तलाश करता हूँ कि जहां पर मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, ICC की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, और ये 2-3 महीने के अंदर, 4 महीनों में ग्राउंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिल्कुल रेडी होंगे। ICC का जो डेलीगेशन आया था उन्होंने नेशनल स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम, 3 बड़े वेन्यूज का दौरा किया है, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जो स्पेशली टीम की सिक्योरिटी, टीम ने कहाँ पर स्टे करना है, ये पूरा एक ब्रीफिंग दी जाती है, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी तरफ से भी ब्रीफ किया जाता है। और वाकई पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को कोई मसला नहीं है, बिल्कुल पुरअमन मुल्क है। इंग्लैंड की टीम आ रही है, इससे पहले आप देखेंगे एक साल के अंदर कुछ 4 फॉरेन टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात आती है ना तो मुझे ये कहना पड़ता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में होगी और टीम इंडिया भी पाकिस्तान आएगी। नेगेटिविटी बहुत सारे लोग फैला रहे हैं कि जय शाह आए हैं, जय शाह ने ये कर दिया, एक जाली स्टेटमेंट, ट्वीट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बैकडोर राब्तों के अंदर बातचीत होती है वही राब्ते होते हैं। मुमकिन है कि ये राब्ते हमारी हुकूमत और उनकी हुकूमत के दरमियान हो रहे हो, लेकिन ये होंगे राब्ते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर दूसरी टीमों के अंदर आना है, तो इसलिए जो ऑफिस होते हैं, बड़े ऑफिस होते हैं, उनके डिफरेंट मुल्कों के जो बड़े ऑफिस यानी फॉरन ऑफिस होते हैं उनसे राब्ते होते हैं। ये एक रूटीन की बातचीत है। क्रिकेट बोर्ड ने आपको इनवाइट करना है, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, टीम इंडिया भी आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, तो
इसलिए मैं बात करता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने खेलनी है, तो हमारे लिए बहुत सारी क्रिकेट अभी बाकी है और हम समझते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। और टीम इंग्लैंड के अंदर मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश वाली परफॉर्मेंस है वो कभी भी नहीं दोहराएगी और टीम पाकिस्तान इंग्लैंड के सामने एक नई टीम बनकर सामने आएगी। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया की एक जबरदस्त विन, एक बड़ी कंफर्टेबल विन। और मुझे पता है कि अगले भी जो मैचेस हैं उसमें बांग्लादेश इसी तरह ढेर होगा क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त टॉप फॉर्म में है। बाकी टीमों को भी इंडिया की टीम से लेसन लेना चाहिए। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।